तो अभी टाइम है 5:22। ये रास्ता है और इस बंदे के साथ हम लोग जा रहे हैं घूमने। तो यारा नाम की मुंदिरा 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 बैकपैकर्स कैंप मुंदिरा। और एखने पीछे केदुलिर मेला केदुलिर मेला बा जयदेवर मेला विख्यात मेला जेटा पौष मेला समय पड़े बोलपुरे जो पौष मेला है वोटार पर गंगा सागर मेला जो है तक एखे केदुलिर मेला बा जयदेवर मेला है। और ये एरिया पूरा बाउल एरिया मैंने যেখানে সেখানে আপনারা বাউলের আখড়া দেখতে পাবেন। হ্যাঁ মানে মেলার সময় তো চারিদিকে বাউল হয় আখড়া বসে অনেক এইসব রাস্তা দিয়ে পুরো মেলা থাকে। এইসব রাস্তা দিয়ে পুরো মেলা চান করে অনেক ছবি এঁকেছে এই পেন্টিং গুলো করেছে তারা লিখেছে পড়ে আর এটা হচ্ছে কবি জয়দেব। अंदर से जा रहे
এটা কি স্যার এটা ফটোল বাবা কি বাবা ফটোল বাবা ফটোল বাবা মানে বাবা সোনা ফোন ওকে এটা তো লাগাম রাধা রানী মা ফটোগুলোর বেদি আমি বাবা আচ্ছা ওকে তিরুথন जब यहाँ पर मेला होता है तो यहाँ पर आकर तो साधु बाबा के लिए यहाँ पर रसोई होता है। मंदिर तक ही सर अरे जयदेव मंदिर मैं जयदेव पूजो देते जयदेव ठाकुर एखे पुजो दीते आधा माधव के ओके तो ये है आपके लोग का राधा माधव जी जिसको जयदेव जी जो बाय वो वाले जा दीजिए उसका पत्नी तो फ्रेंड्स अभी टाइम है 10:02। मुझे लाइव या तो वीडियो कुछ भी करने का मन नहीं था, लेकिन मुझे एंड करना है ये ट्रिप। कल थोड़ा सा दिखाऊंगा मैं जाने का टाइम का जो रोड है। तो अभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, सही में एंजॉय कर रहा हूँ। ये है उन्तु बंदा और यहाँ पर ये बंदा, तो साथ में रहिए तब तक। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी टाइम है 8:36। 10:30 निकल जाएंगे यहाँ से। तो हम लोग करेंगे अभी थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट। तो बात यह है कि हम लोग आज निकल जाएंगे यहाँ से। तकरीबन 163 किलोमीटर दूर है, जिस रास्ते से अभी जाएंगे वो 163 किलोमीटर दूर है हम लोगों का घर। तकरीबन अभी अगर यहाँ से निकलते निकलते 11 बज जाता है तो हम लोग घर में घुसते घुसते टाइम हो जाएगा तकरीबन 4 जाने के टाइम। बाकी सब यहाँ पर क्या, अभी बारिश होने के बाद और भी ब्यूटीफुल हो गया है। आप लोगों को दिखा देता हूँ फिर से वो। तो ये है मेरा हम लोगों का ट्रेन। और वो खड़ा है हम लोगों का बाइक। ये भी टेंट का शेड है। ये है आप लोग तो अजय नदी, जहाँ पर नहाना था लेकिन इतना पानी कम था कि नहा नहीं पाए। यहाँ पर जगह मस्त है, लेकिन इस टाइम पे अगर आओगे तो गर्मी मिलेगा, बारिश मिलेगा, फिर गर्मी मिलेगा, फिर बारिश मिलेगा, ऐसा ही होगा। बहुत ह्यूमिड एरिया हो जाता है यहाँ पर।
पास शाम को, कल शाम को हम लोग बैठकर बहुत मस्ती किए, वीडियो भी लाइव किए बहुत कुछ। तो फ्रेंड्स अभी हो गया टाइम 10:10 और हम लोग निकलने वाले हैं घर के लिए। बढ़िया था, यहाँ पर थोड़ा ब्रेकफास्ट किया, मतलब चाय पिए और बॉइल्ड अंडा ले लिया, 2-3 करके ले लिया सब। तो टाटा फॉर मुंदिरन बैकपैकर्स। तो फ्रेंड्स निकल रहे हम लोग मुंदिरन से बैकपैकर्स। तो अभी जो सामने जो रास्ता आएगा वही वाला रास्ता जो पूरा वे थी देखा, कल तो बारिश हुआ था और भी शायद और भी खराब हो गया। देखिए ये वाला रेत है, कोई बीच नहीं है, खराब हुआ है और साइड से हम लोग रुक जाना पड़ेगा। और अभी तो भीगा हुआ है पूरा रेत, ये देखिए टायर स्किप कर रहे हैं, मेरा भी ऐसे ही हो रहा है, पीछे वाला टायर पूरा स्किप कर रहा है, टेढ़ा होकर चलाना पड़ रहा है अभी। ऐसा है तकरीबन 1 किलोमीटर तरफ 1-1.5 किलोमीटर है। तो फिर साथ में रहिए इस वक्त तक, देखिए कैसे पार जाता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स वेलकम बैक, हम लोग हैं अभी जयदेव केतुली खोगरा रोड, और ये रोड जा रहा है पूरा डायरेक्ट इलम बाज़ार तक। और इलम बाज़ार में हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, कुछ भी अगर मिल जाता है अच्छा तरह कुछ ब्रेकफास्ट मिल जाता है तो हम लोग वहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करके रोड का हालत देखिए ऐसा ही है, मतलब इसी रास्ते से हम लोग आए थे, और अगर वो पुल नहीं टूटा हुआ तो होता तो हम लोग उस रास्ते से फिर से निकल जाते। जो भी है तो इसी रास्ते पे हो, हम लोग इलम बाज़ार जाकर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, और यहाँ से हम लोगों का घर तकरीबन 163 किलोमीटर दूर है। तो साथ में रहिए, स्टे ट्यून्ड विद अस। Escape now and got it all just figured out. You can take it through the ceiling to the rooftops. While I'm leaving, you're my greatest mistake. So, friends, बात अभी यही हुआ है कि इलम बाज़ार पे हम लोगों का कोई ब्रेक अच्छे ढंग का कोई ब्रेकफास्ट नहीं मिला। तो हम लोग हैं अभी जाकोबी जयदेव
बोलपुर रोड पे। ये हो गया कि हम लोग अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने बोलपुर, जो यहाँ से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर है, क्योंकि इलम बाज़ार में तो कुछ नहीं मिला ब्रेकफास्ट ठीक से, तो ऐसे भी बोलपुर भी घूमना हो जाएगा तो राइडिंग भी हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं बोलपुर। और ये वाला रोड है कुबी जयदेव बोलपुर रोड, बहुत अच्छा रोड है, एक रिजर्व के रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर से जा रहे हैं हम लोग। तो अभी जो प्लान है कि अभी हम लोग बोलपुर जाकर ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल जाएंगे फिर से घर की तरफ। और बोलपुर होकर जाने में हम लोग का अभी डिस्टेंस हो गया 210 किलोमीटर, तो साथ में रहिए, स्टे स्माइली स्टे ब्लेस्ड। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं शांति निकेतन पे और क्रॉसिंग कर रहे हैं शांति निकेतन विश्वभारती का एरिया। और सही है, मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए बोलपुर पे, सही है। तो देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर अच्छा अच्छा एक कोई पर मिलता है कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए, सब में रहिए। और अभी तो इस बार तो कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जब बोलपुर का ट्रिप करूँगा एक सोलो या तो एक सेपरेट ट्रिप होगा तो उसमें बोलपुर आप लोगों को दिखाऊँगा, साथ में रहिए। फ्रेंड्स, देखते हैं अभी तो कुछ ढूंढ नहीं पाए कहाँ पर मिलेगा अच्छे कुछ ब्रेकफास्ट करने लायक, कुछ खाने लायक कुछ, तो देखते हैं। सामने है सुप्रति एवं मौसमी और मेरे सामने है, ठीक सामने है अंतु, फिर से रुका एक दुकान पे, देखते हैं क्या मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ही रुके हैं, यहाँ पर ही कुछ अगर मिल जाता है तो यहाँ पर खाकर हम लोग निकल जाएंगे घर की तरफ। तो मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद, साथ में रहिए। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम है 12:40 और हम लोग हैं अभी घुसकोड़ा पे, और ये रोड है सूरी रोड जो है वर्धमान की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और हम लोग बोलपुर पे खाए थे डिम टोस्ट और चाय, और यहाँ से तकरीबन वर्धमान होगा 16 किलोमीटर। और हम लोग रवाना हो गए हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद, तकरीबन हो गए हैं आधा घंटा हो गए हैं हम लोग राइड कर रहे हैं अभी तक। और मेरे सामने है उन्तु और उसके सामने है सुप्रतिम, तो ये वाला जो रास्ता देख रहे हो ये सीधा जा रहा है वर्धमान की तरफ, और बढ़िया रोड है, साथ में रहिए दोस्तों और राइडिंग का मज़ा लीजिए। स्टे ब्लेस्ड स्टे स्माइली।